ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों में चुनावी चौसर बिछ चुकी है, लेकिन किसकी राजनीति, किसकी रणनीति यहां पर काम आएगी और फायदा पहुंचाएगी इस सत्ता को पाने में? कांग्रेस की बात करें, क्या वो वापसी होती है उसकी या फिर बीजेपी लगातार बरकरार रहती है, इसको लेकर ही तैयारियां जारी और इसी पर हमारी ये चर्चा भी लगातार जारी है। हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए सुरेश चौधरी जी हैं, मनीष पारिक जी और साथ ही राजेंद्र राज जी हैं। राजेंद्र जी, आपसे ही सवाल रहेगा अब। हालांकि हम बीजेपी कांग्रेस दोनों की तैयारियों की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच आज जिस तरह से कुमारी शैलजा का बयान आया कि 70 के पार जो है उन पर सोचा जाएगा, टिकट नहीं मिलेगी या जो हारे हुए, यानी कुल मिला के पूरी तरह से युवाओं पर फोकस रहेगा, तो क्या कांग्रेस अपनी रणनीति बदल रही जिसमें अनुभव की भी जरूरत होती थी? नहीं, अनुभव तो अपनी जगह रहेगा ही रहेगा, वो कुछ नहीं है। टिकट वाली जो बात है ना, वो स्वाभाविक रूप से कि नए व्यक्ति को टिकट दिया जाए, राहुल गांधी चाहते हैं कि जो अब तक का लाइन थी उस लाइन को बदलना चाहते हैं और वो अपनी दिखाना चाहते हैं कि भाई मेरे साथ लोग आए, युवा युवा को जोड़ा जाए। और देखा जाए तो एक दृष्टि से ये मैसेज भी जाएगा, ये अंदर की मैसेज है कि जितेंद्र सिंह और सचिन पायलट को बढ़ावा मिलेगा और जननेता जो राजस्थान के हैं कांग्रेस में अशोक गहलोत जी, उनके कई नंबर कम करने की कोशिश की जा रही है अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो ये कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जननेता अगर कांग्रेस में कोई है तो वो अशोक गहलोत है और उनको हार मार के आज नहीं तो कल अशोक गहलोत को आगे लाना पड़ेगा। लेकिन राजनीति इसीलिए बातें होती है कि अशोक गहलोत गुट अलग है, सचिन पायलट गुट अलग है और इसलिए कांग्रेस के अंदर मतभेद है। कई गुट है उसमें कोई बात नहीं, कांग्रेस में गुट रहेंगे होंगे और वो मानते भी है कि हाँ हमारे गुट हैं। तो क्या यही वजह तो नहीं कि सीएम कैंडिडेट वो सामने लाने नहीं चाहते और इसलिए वो बोलते हैं कि एक सब एक साथ होकर ही चुनाव लड़ेंगे, कोई हमारा फेस नहीं होगा? कहा यही जाएगा राजनीति में, सब एक साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अंदर खाने सब तय हो जाएगा कि एक सीएम होगा, दो डिप्टी सीएम हो जाएंगे अगर हमारी सरकार आती है तो, लेकिन अभी तो साथ हो, सब तो साथ हो जाइएगा ना। सुरेश जी, ये बात तो बार बार आती है कि साथ होने के बाद कांग्रेस के अंदर, और ये बात भी कही जा रही है कि पहले अपने से ही अगर वो पार पा ले तो वो जीत सकते हैं विधानसभा चुनाव, लेकिन अंदरूनी तौर पर इतनी ज्यादा लड़ाई है कांग्रेस के अंदर, तो वही कहीं हारने का कारण ना बन जाए। ये कांग्रेस के अंदर कोई लड़ाई नहीं है, अशोक गहलोत जी हमारे सीनियर लीडर हैं और शायद राजेंद्र जी को पता नहीं है कि अशोक गहलोत जी जिस पद पे बैठे हैं, राहुल जी के बाद में संगठन महामंत्री का पद हमारी पार्टी में सबसे बड़ा होता है और उस पद को सुशोभित राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कर रहे हैं। लेवल पर हो गया सुरेश जी, वो नेशनल लेवल, लेकिन एक बात बताइए, मेरा बूथ मेरा गौरव में भी टिकट की दावेदारी पेश करने की बात कही जाती है, टिकट के लिए अभी से क्यों लड़ाई, जबकि सितंबर में कुमारी शैलजा का कहना है तीन नाम का पैनल आएगा, अक्टूबर में एक एक नाम फाइनल होंगे, जब पूरी रणनीति बनी है। और फिर दूसरी तरफ आप लोग ये भी कहते हैं कि जो आलाकमान कहेगा, जिस नाम पे मुहर लगेगा उसी के साथ है, फिर इतना ज्यादा क्यों दिखाना अभी से, क्यों अपना पावर दिखाना और ये दिखाना कि हम टिकट के दावेदार? किसी भी राजनीतिक, कोई भी लोग हैं, राजनीतिक पदाधिकारी हैं, राजनीतिक पार्टी में काम करने वाले लोग हैं, वो हमेशा उनके कोई सीनियर नेता आएंगे, प्रभारी आएंगे, ऑब्जर्वर आएंगे, तो उनके सामने ताकत दिखाना राजनीति की एक परंपरा है। उसमें जिस भी जगह जिस भी कार्यकर्ता ने अनुशासन को बिगाड़ा है उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, अति उत्साह में किसी कार्यकर्ता ने किया है उसके खिलाफ आपको सब पता है कि हमने एक्शन लिया है। हमारी पार्टी एक संगठित है, आपने अशोक गहलोत जी का, सचिन पायलट जी का दोनों का सामूहिक बयान पढ़ा है, सामूहिक मंच पे बोले हैं, एक साथ बोले हैं और एक साथ जगह जगह इन बूथों पर। कुमारी शैलजा के बयान को किस तरह से लिया जाए? बिल्कुल, कुमारी शैलजा जी ने जो बयान दिया है वो हमारे चुनाव के अंदर वो प्रभारी हैं और उनके बयान की, क्योंकि वो हाईकमान है, दिल्ली से बोली हैं, तो उनके उनके हमारी पार्टी का निर्णय हाईकमान करता है, तो उनके निर्णय के ऊपर मैं कोई टिप्पणी करूं, वो जो बोल रही हैं, उन्होंने क्या शीर्ष नेतृत्व से वार्ता हुई है, उन्होंने जो कहा है उनके बारे में तो वही बता सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी का भी दौरा था और जिस तरह से जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा है, कहीं ना कहीं बातें ये भी आ रही थी कि कांग्रेस इससे घबराई हुई है, क्या आपको लगता है कि अभी भी मोदी लहर नहीं है और कांग्रेस जिस तरह से करारी शिकस्त 2013 में मिली थी उससे उबर कर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पाएगी, क्या इतनी तैयारी है आप लोग की? श्वेता, अगर भाजपा की तैयारी होती तो लाभार्थियों को सरकारी पैसे पे सरकारी धन का दुरुपयोग करके यहाँ लोग नहीं लाए जाते, उन बसों में भी सरकारी संसाधनों में भी भाजपा के कार्यकर्ता है, उसके बाद में भी कलेक्टरों को 10,000 पर कलेक्टर को जिम्मेदारी देने के बाद में भी 3.5 लाख लोग बनते हैं, मुश्किल से लाख लोग इकट्ठे नहीं हुए, और उसके बाद में भी ये अगर अपनी सफलता माने तो ये भाजपा का काम माने। आपका कहना ये कि आई नहीं है, भीड़ जुटाई गई है, सबका दुरुपयोग करना और सरकारी पैसे पे लोगों को सरकारी प्रोग्राम में बुला के कार्यकर्ताओं को सफलता मानते हैं जो ये कह रहे हैं। पूरी जिंदगी राहुल गांधी जी को सरकारी सुविधाएं दिलाई इन्होंने, गांधी परिवार को दी, जो लाभार्थी आम आदमी है
जो जमीन से उठकर अगर सरकारी बस में बैठ के आ गया तो मिर्चियां लग गई इनके, इनको बर्दाश्त नहीं है कि आम आदमी को ये सुविधा मिले, उसको कलेक्टर इनवाइट करके आए और अपने प्रधानमंत्री से वो संवाद करने आए, ये इनकी कार्यशैली नहीं है। नहीं नहीं, आम आदमी से प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं इन्होंने, खुद कहा ना 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 ना, अगर आम आदमी से जवानों पे एक्शन ले रहे हैं, आपके संवाद करने वाले बुड्ढों के खिलाफ एक्शन बोलने वाले राहुल गांधी ने ले लिया, किसको बोलना है, कांग्रेस पार्टी को कौन चुनाव लड़ने वाला है, निश्चित हुआ है, लेकिन ना कोई अंदाजा नहीं है। आप असफल हर जगह पर तीन दावेदार उभर कर आए, तीनों ने पैसे लगा दिए, मनीष जी एक मिनट, ठीक है, कांग्रेस बीजेपी दोनों बोलेंगे की हाँ भीड़ जुटाई गई है, भीड़ लाई गई है, कैसा था ये, राजेंद्र जी बताएंगे, राजेंद्र जी इसका जवाब आप ही दीजिए, राजेंद्र जी इसका जवाब आप लेके आना, कांग्रेस पार्टी ने किया, लेकिन वक्त नहीं है, वक्त नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने बोल लिया अपनी बात रख दी, सुरेश जी प्लीज, राजेंद्र जी दोनों बीजेपी या कांग्रेस की बात की जाए, किस तरह से इनका कहना है, हालांकि नरेंद्र मोदी के दौरे को भी देखा, वहां पर इकट्ठी भीड़ को भी देखा और आरोप भी क्या लगे वो भी देखा, लेकिन एक बात बताइए आप राजेंद्र जी, क्या वाकई में मोदी लहर को नकार पा रही है कांग्रेस? नहीं, मोदी लहर को नहीं कर पा रही, और मोदी लहर वास्तव में अभी देश में है, और इस बात को कांग्रेस भी अच्छी तरह से महसूस कर रही है, और बीजेपी भी इस बात को मान रही है कि हमारे भी अस्तित्व की लड़ाई है, और कांग्रेस भी इस बात को मान रही है कि हमारा भी अस्तित्व की लड़ाई है, दोनों पार्टियों का अपना अपना एजेंडा है और दोनों इस बात को मान रहे हैं कि हमारा अस्तित्व दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस केवल अब 4-5 राज्यों में सिमट गई है, बीजेपी को जिस मुकाम पर पहुंच गई उस मुकाम को बरकरार रखना है, इसलिए उसकी ये लड़ाई है कि मैं जिस मुकाम पर पहुंच गई हूं उससे मेरी गिरावट नहीं आए, और कांग्रेस की ये परेशानी है कि मैं जो 4 तक सिमट रही हूं कि ये भी नहीं मेरे हाथ से निकल जाए, तो दोनों का अस्तित्व की लड़ाई है और अस्तित्व अपने अपनी जगह पे लड़ रहा है, और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं इस बात में, मुझे जो लग रहा है संभावना है कि अभी राजस्थान में 4 महीने चुनाव गनी है, चुनाव अभी बाद में होगा, चुनाव का भी समय बढ़ेगा, और संभावनाएं जिस तरह की बन रही है देश में कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव कम से कम 7-8 स्टेटों में एक साथ होंगे, ज्यादा ना हो सही लेकिन 7-8 स्टेट होंगे, और राजस्थान भी उनमें एक होगा जिसमें लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे, और तब नरेंद्र मोदी के नाम पर ही राजस्थान में भी वोट पड़ेंगे। सर इसीलिए तो लगातार जो दौरे हो रहे हैं नरेंद्र मोदी के, और भी अगस्त में भी 2 दौरे होने वाले, अमित शाह भी यहां पर आएंगे, इनका फोकस 2018 नहीं 2019 को टारगेट करके चल रहे हैं, और यही वजह है कि दोनों एक साथ अगर इस तरह के दौरे हो रहे हैं, और राजस्थान की अभी मौजूदा स्थिति क्या है या फिर जीतने के लिए और कितना संघर्ष यहां पर करना होगा, क्योंकि कांग्रेस को भी यहां पर मुद्दे मिल रहे हैं, तो ये भी तो एक वजह है यहां पर कि 2019 को लेकर टारगेट है उनका, और यही वजह है कि लगातार पीएम के दौरे भी अब आने वाले वक्त में होंगे, अमित शाह के भी होंगे, और ऐसे में कांग्रेस अगर इसको नकार भी रही है तो आप ये बताइए राहुल गांधी के दौरे कब होने वाले हैं? सुरेश चौधरी जी, राहुल गांधी कब आएंगे प्रदेश में, क्योंकि जुलाई में भी आने की बात हो रही थी। श्वेता, राहुल गांधी जी का दौरा जल्द बनने वाला है, और हमें खुशी है कि भाजपा के पास अमित शाह जी के और प्रधानमंत्री जी के अलावा कोई चेहरा नहीं है। हमारी पार्टी में सैकड़ों ऐसे चेहरे हैं जो स्टेट को संभालते हैं, आज ये सब कह रहे हैं अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, हमारे पास सब लोग तो एक दो होता है जो सामने होता है, हमारी पार्टी के पास बहुत नेतृत्व है, नेतृत्व क्षमता है, इनके पास केवल 2 लोग हैं और केवल 2 लोगों पे चुनाव लड़े, वरना चुनाव लड़ना चाहिए कि 5 साल में राजस्थान का क्या डेवलपमेंट किया, भाजपा ने राजस्थान में क्या किया, जनता देख रही है, जनता देख रही है सर, ये जनता देख रही है, बिल्कुल आप हम सब है, बीजेपी कांग्रेस सब है, बिल्कुल बिल्कुल वक्त हो गया यहाँ पर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात यही हो रही थी कि किस तरह से अब आना जाना पार्टियों में तो लगा रहेगा, लेकिन सबसे खास बात यह हो जाती है कि कांग्रेस भी यहाँ पूरी तरह से तैयारी कर रही है, रणनीति बना रही है, तो चुनावी बिसात यहाँ पर बिछा रही है, बीजेपी भी दोनों दिल्ली में डटे रहते हैं, लगातार बैठकों का दौर भी जारी रहता है, लेकिन अब जबकि सब एक साथ होने की बात कही जा रही है, ये मजबूरी है इनकी या फिर मजबूत वाकई में करना चाहते हैं पार्टी को, या हम आप पर छोड़ते हैं क्योंकि दोनों की ही कार्यशैली को आप देख ही रहे हैं। चलिए बिग फाइट लाइव में आज के लिए मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं टेढ़ी नजर के साथ, नमस्कार।